अस्सी घाट हमारे पैरों के नीचे था, हमें पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। हर हर महादेव पंडित जी। लाओ रमेश्वर अंगल चंदा दो, इस बार ऐसा रावण फूकेंगे कि अगली बार कोई हिम्मत नहीं करेगा रावण फूकने की। लेकिन दशहरे का चंदा ये भोलेनाथ बनकर क्यों मांगने निकले हो? राम बनना चाहिए ना। आवा, क्या अपने लुगाई बचाने के लिए क्या खुद राम जी चंदा बन जाते? अच्छा लगता उन्हें, इसलिए हमको भेज दिया। आखिर में हम भी तो उनके खास दोस्त है ना। ले ओ भाई। बिंदिया, भाईजान बिंदिया दिखी क्या? नहीं तो पहला सुन रही है। चुपचा चुपचा। अरे बिंदिया! पीछे आ गया तेरा बाप बिंदिया। क्या वरना तेरी वजह से हम सब पीटेंगे। मेरा बाबा पुलिस में, इसलिए तू डरता है ना? अरे डरता तो मैं घंटा किसी से नहीं हूँ। चरस बोलिए तेरे बाप ने मेरी लाइफ में। अच्छा रुक, अभी बुलाती हूँ। पापा चुप हो जाओ। अरे मत चुप। तेरे दिन बाप के कपड़े नहीं फाड़े ना तो मेरा नाम भी नहीं। चल चल। हर हर महादेव। अंकल जी, हम लोग हनुमान पाठक की तीसरी गली से आए चंदा मांगने, और रावण फूंकना है ना, इसीलिए। किसी और को तो नहीं फूंक दोगे अंकल? अगर आपको झूठ लगता है तो आप पापा रख के चेक भी कर सकते हो अंकल। स्लिप देना, स्लिप दे। ये लो 100 रुपए लिख दिए। अच्छा ठीक है। जुनैद जी भाई, भीतर से 100 रुपए लेके आना। जी मुराद, अपने को 3 ले भर ले। उस रोज, उस पल, उस क्षण लगा कि बनारस भर की सारी भांग हमारे माथे में और भोलेनाथ का सारा जहर हमारी आंखों में उतर आया हो। 200 साल पहले बनारस नरेश हमारे परदादा को लाए थे तमिलनाडु के एक गांव से अपने मंदिर में पंडिताई करने को, पर लगा बनारस ने आज अपनाया है। ये बनारस का पहला तोहफा था हमको। नमाज में वो थी, पर लगा दुआ हमारी मंजूर हो गई। मूंछों का निशान भर नहीं आया था, पर अचानक से लगा कि जवान हो गए, शादी करने लायक, इसी लड़की के प्यार में जीने लायक और इसी लड़की के प्यार में मरने लायक।